नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में टॉपिक लेकर आया हूँ पेट से संबंधित। तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये कैसी भी पुरानी कब्ज हो, कैसी भी पुरानी एसिडिटी हो, कैसा भी पुराना गैस हो पेट का, ये चाई, इसको चाई नहीं कहेंगे ना इसको काढ़ा कहेंगे, इसको सिर्फ ये कहिए कि ये पेट के लिए बहुत लाभकारी चीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसी भी कब्ज, पुरानी से पुरानी कब्ज हो, आपको सुबह बहुत राहत मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आधा जीरा चम्मच का इसमें डाल देंगे। उसके बाद एक चम्मच अजवाइन। अभी हमने इसमें जीरा और अजवाइन डाला है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम खौलने देते हैं। जब ये अच्छे से खौल जाएगा उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे वो आपको बताऊंगा इसके खौलने के बाद। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको खौलने का। तो जैसा कि हमारी चाय जो है खोल चुकी है, अब हम इसको एक गिलास में डालेंगे। हमारा उबालने का काम फिनिश हो गया है और अच्छे से रंग छोड़ दिया है। इसमें है जीरा और अजवाइन का पानी। अब हम इसमें हल्का सा हींग डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा हींग डालना है। हमने इसमें हींग डाल दिया और चुटकी भर काला नमक। कितनी भी पुरानी गैस हो, कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो, कैसा भी कब्ज हो, ये हर चीज का निवारण है। जिसको भी दिक्कत होती है दोस्तों इसको आजमा के जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और आपको खुद इससे लाभ होगा। अब इसमें एक चीज और डालनी है, पांचवी चीज, वो है नींबू। ये हमारी बढ़िया सी चाय होगी तैयार। और जिसको भी गैस समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, कब्ज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कृपया करके आप लोग इसका इस्तेमाल करिए। इसको थोड़ा सा मिलाकर पिए, आप कैसी भी समस्या हो गैस की कब्ज की, 101% श्योर है कि आपको उसमें राहत मिलेगी। तो इसके बाद मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। और चाय पीजिए और अपने पेट को आराम दीजिए, क्योंकि ये चाय बहुत ही लाभकारी है कब्ज, एसिडिटी और गैस के लिए। धन्यवाद।